कामदेव ने, शंकर जी को भी कामदेव ने पटकनी लगा दी। शंकर जी भी एक बार भगवान से बोले कि प्रभु आपका मोहिनी वाला रूप जरा दिखाओ। भगवान बोले मत देखो शंकर जी, नहीं नहीं दिखाओ, नहीं मत देखो। अब भगवान का जो मोहिनी अवतार था वो इतने सुंदर भगवान स्त्री के रूप में थे कि उनके समान सुंदर कौन होगा, भगवान ही। और शंकर जी जिद में अड़ गए कि नहीं हमें तो दिखाओ। भगवान मना कर रहे मत देखो मत देखो, नहीं दिखाओ। अब लो भैया शंकर जी के लिए भगवान तो भक्तों के वश में है, शंकर जी तो सदा भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो शंकर जी की बात टालें कैसे भगवान। तो भगवान ने मोहिनी अवतार ले लिया, और जब मोहिनी भगवान को देखा तो शंकर जी प्रेरित हो गए और दौड़ पड़े मोहिनी भगवान के पीछे। आहा हा कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ यहाँ। अब भगवान बोले ये तो पीछे पड़ गए। तब भगवान शिव का तेज निकल गया, तुरंत मोहिनी भगवान ने अपने रूप में आकर भगवान शिव के उस वीर्य को अपने हाथ में लिया। वो शिव का तेज था, कहाँ रखें, पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि शिव के तेज को संभालने के लिए सबकी सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान मोहिनी रूप से अब वो अपने रूप में आ गए, विष्णु रूप में आ गए, और शिव जी का मन हल्का हुआ और उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये आपकी माया की लीला थी, अब इस तेज का क्या करें। तो अहिल्या माँ की बेटी जंगल में तपस्या कर रही थी उन्हीं दिनों, बताओ अहिल्या माँ की बेटी का नाम क्या है, माता अंजनी। माता अंजनी के पास शंकर जी चले गए और भगवान विष्णु गए साधु बनकर दोनों, और वो तेज हाथ में था। अब किसी स्त्री के गर्भ में तो डालना पड़ेगा, अब क्या करें। तो अंजनी उस समय एक गुफा के अंदर रहा करती थी, क्योंकि इन्हें किसी ने बता दिया था कि तुम्हारे कुंवारे में ही बच्चा हो जाएगा। तो अंजनी माँ ने कहा कि मैं आज से किसी पुरुष के मुख का दर्शन ही नहीं करूंगी, तो बच्चा होने का सवाल ही नहीं। अब ये दोनों बाबा जी पहुंच गए, भगवान शंकर और भगवान नारायण साधु बनकर। बेटी बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा, अंजनी बोली मिलेगा, पर मैं पुरुष का मुंह नहीं देखती। संतों ने कहा बेटी हम पुरुष नहीं, हम तो संत रूप में हैं, तुम हमारा दर्शन कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। संतों के आग्रह पर भी उसने दर्शन नहीं किया, तो संतों ने कहा तुमने गुरु मंत्र लिया है, बोले नहीं गुरु मंत्र तो नहीं लिया। बोले जो गुरु मंत्र नहीं लेता हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते, तो पहले अपने कान इस तरफ करो फिर हम तुम्हें गुरु मंत्र दें। तो अंजनी माँ ने कान लगाए गुफा के पास, तो भगवान नारायण ने पवन देवता के सहयोग से उस शिव के तेज को कान के द्वारा माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। अब देखो यहां एक और गुत्थी सुलझेगी आप लोगों की, कि भगवान शिव का तेज पवन देवता के द्वारा अंजनी के कान के द्वारा गर्भ में गया और अंजनी मां गर्भवती हो गई, उसी गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। अब आप यहां एक चीज और समझो, हनुमान जी के पिता कितने हैं बताओ, कितने, तीन। अब तीन पिता कैसे हैं वो अब समझ में आएगा आपको। शंकर जी के पहले पिता हैं शंकर सुवन, हैं चौपाई पढ़ते हैं शंकर सुवन। तो शंकर सुवन कैसे, क्योंकि शंकर जी का तेज है इसलिए वो शंकर सुवन। केसरी नंदन, अंजनी माँ का विवाह केसरी से हुआ था तो केसरी नंदन। और पवन पुत्र, तो पवन पुत्र कैसे, क्योंकि वह तेज पवन वायु के द्वारा मां अंजनी के कान में प्रवेश किया, इसलिए तीन पिताओं की चर्चा है, क्योंकि तीन के सहयोग से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। शंकर जी का तेज पवन देवता के द्वारा प्रवेश हुआ और केसरी की वो पत्नी थी, इसलिए तीन हो गए, ऐसे हनुमान जी के जन्म की कथा है।